की सर खूप खूप स्वागत आहे तुमचं अल्ट्रा मराठीमध्ये. सर आय वूड लाईक टू आस्क यू, हाऊ वॉज युअर ओवरऑल एक्सपिरियन्स फॉर वर्किंग इन मराठी फिल्म? बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट मराठी जो है वो क्योंकि मैं बचपन से लेकर महाराष्ट्र में हूँ तो सुनता आ रहा हूँ. आई हैव बीन लिसनिंग टू मराठी ऑल द टाइम एंड आई हैव ऑल्सो बीन स्पीकिंग, बट सिंस आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग एवरी डे थोड़ा रस्टी हो गया है. तो वो एक थोड़ी सी मेरे अंदर संकोच थी कि मैं इसको ठीक से बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा. और चूँकि मैं एक डायलॉगबाजी वाला एक्टर नहीं हूँ, मैं कन्वर्सेशनल एक्टर हूँ, बातचीत वाला एक्टर हूँ, तो मैं चाहता था कि वो मराठी जो भी निकले वो बहुत सरल निकले. वही कोशिश थी. और चूँकि लोकेश ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत परफेक्टली बोला है सब कुछ, तो मैं उस पर विश्वास रखता हूँ. और डबिंग के वक्त भी बड़ी आसानी से हमने डब भी कर ली उसको. तो आई थिंक मैंने मराठी बोलने में तो सक्सीड हो गया हूँ. सर एक ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछना है कि जब आपके पास ये फिल्म की स्क्रिप्ट आई तो मन में पहली भावना क्या थी आपके? पहली भावना तो ये थी कि मुझे ये शायद ये फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने बहुत जल्दी हाँ कह दी इस फिल्म के लिए. क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ वहाँ सुने हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है. तो जब लोकेश ने पूरी स्क्रीन प्ले सुनाई तो मेरे अंदर ऐसा एक हुआ कि यार ये तो करना बहुत ज़रूरी है ये फिल्म, और इसलिए मैंने हाँ कहा. और बाद में जब हम काम करने लगे तो बहुत ही मज़ा आने लगा. सिनेमा का एक ऐसा पॉइंट या ऐसा कोई USP फैक्टर जो आप इस वक्त आप नरेट कर सकते हो? USP फैक्टर तो यही है कि एक तो कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्टोरियल जो फिनेस है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं. गाने बहुत अच्छे हैं और मुद्दा जो है वो बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे ध्यान आपको देना चाहिए. और मैं जानता हूँ कि फिल्म देखने के बाद उसका असर बहुत सारे पेरेंट्स और चाइल्ड के ऊपर पड़ेगा. सर मराठी में पैरेलल फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स ये ज़्यादा बन रही है, और ये एक रीज़न था मराठी में ये फिल्म चूज़ करने का? नहीं, मैं तो पैरेलल और मेन ये सब मैं मानता नहीं हूँ. मैं मानता हूँ गुड सिनेमा होता है, बैड सिनेमा होता है. तो मेरे ख्याल से मराठी में ज़्यादातर जो है वो गुड सिनेमा होता है, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होता है, और बहुत मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ होती है. तो वो मिट्टी की सुगंध मुझे पसंद है हमेशा बचपन से. तो मैं देर इज़ नो वे दैट आई कैन से नो टू अ मराठी फिल्म. सर ओवरऑल सिनेमा में जब आप काम कर रहे थे, बाकी के भी आपके सह कलाकार थे, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसे था? बहुत ही बढ़िया रहा. इनफैक्ट राजेश्वरी के साथ बहुत बहुत सालों के बाद काम कर रहा हूँ. और एक ऐसी जुगलबंदी हो जाती है ना, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड एक्टर इन फ्रंट विथ यू, ऐसी जुगलबंदी हो जाती कि आप कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर आगे पहुँच जाते हो. तो वही एक्सपीरियंस रहा मेरा. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ लोकेश को कि ऐसी टीम को उसने इकट्ठा किया जहाँ पे सभी लोग अपना काम जानते हैं. और इसलिए एक स्तर से के बाद वो फिल्म जो है आगे चली जाती. सर एक सिनेमा में से एक ऐसा कोई डायलॉग जो अभी इस वक्त आप नरेट कर सकते हो और जो आपके दिल के बहुत करीब है? एक सांगाचा. सर आप दर्शकों से क्या गुजारिश करेंगे इस सिनेमा के लिए? बस यही है कि जिस तरह से आप गुड सिनेमा को प्रोत्साहित करते हैं वैसे इसको भी कर गया, क्योंकि ये एक फिल्म सिनेमा आप सबको, अगर आप पेरेंट हो या बच्चा हो, आपको देखनी चाहिए. और ये फिल्म देखना ज़रूरी है. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अल्ट्रा मराठी के साथ आपने बात किया इसके लिए. और मैं आपको शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि आपको बहुत यश मिले इस फिल्म के लिए. सर थैंक यू सो मच.